हरियाणा के करनाल में पुलिस और आईटीआई के छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। गुरुवार को करनाल के आईटीआई में पढ़ने वाले एक छात्र की बस से कुचलकर मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां छात्रों का गुस्सा भड़क गया और गुस्साए छात्रों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। इसी दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जिसे देखकर छात्रों ने उस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब पत्थरबाजी कर रहे छात्रों की भीड़ में छात्राएं भी शामिल हो गईं। सैकड़ों की तादाद में मौजूद छात्रों ने एक तरफ से जोरदार पत्थरबाजी शुरू कर दी कि इस बीच रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद हंगामा कर रहे छात्र वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उल्टा उनका गुस्सा और भड़क उठा और वो सीधे पुलिस की टीम को चुनौती देते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया और पुलिस भी दूसरी ओर मौजूद छात्रों पर पत्थर बरसाने लगी। पुलिस की पूरी टीम अपने हाथों में डंडे और पत्थर लेकर छात्रों पर हमलावर हो गई। ये बवाल इतना बढ़ गया कि आंसू गैस के गोले दागकर छात्रों को वहां से खदेड़ना पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद कई छात्र पहचान छिपाने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा बांधे दिखे। इनमें कुछ छात्रों के पास पत्थरों से बचने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे मौजूद थे, जिनसे छात्र अपना बचाव करते दिखाई दिए। साथ ही छिप छिप कर पुलिस वालों पर पत्थर भी फेंकते रहे। इस हंगामे के दौरान पत्थर की चपेट में आने से कई पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हो गए और यही वजह रही कि गुस्से से भड़की पुलिस की टीम सीधे आईटीआई पहुंच गई और वहां लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस को जो भी दिखाई दिया, पुलिस ने उसको पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने न तो आईटीआई के छात्रों को बख्शा और न ही छात्राओं को। जो सामने आया वो पुलिस की लाठियों का शिकार हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने वहां मौजूद आईटीआई के प्रिंसिपल और टीचर्स को भी नहीं छोड़ा। ऑफिस के भीतर घुसकर उन पर भी जमकर लाठियां बरसाई गईं। इस दौरान पुलिस ने कई छात्र छात्राओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें एक बस में भरकर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। जिन्होंने भी शरारत की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और काफी बच्चे इसमें राउंड अप भी किए गए हैं। पुलिस और छात्रों के बीच हुए इस बवाल के बाद करनाल में हालात तनावपूर्ण बन गए।